नमस्कार दर्शक बंधु, आज भिडियो को आपण मानक स्वागत करुच्छी। भाद्रव मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश चतुर्थी रूपे पालन करा जाए। एकदा धनर देवता कुबेर निजर धन संपत्ति को नहीं निज मन भितरे गर्व एवं अहंकार सृष्टि कले। से भाविले मो ही दुनिया रो सबुठारु बड़ धनी अटे, तेणु मो धनगुड़ी को सर्वसम्मुखरे प्रदर्शन करिबार आवश्यकता अच्छी बोली से मने मने चिंता कले। तेणु से समस्त देवता मानकु दिने दिने करी निजर प्रासाद को भोजन करिबा निमन्ते निमंत्रण करिबा सहित सर्वसम्मुखरे धनर वैभव देखेबा पई मनस्थ कले। सर्वप्रथमे कुबेर देवता भोलानाथंकु निमंत्रण करिबा निमन्ते कैलाशरे जाई पहुँची गले। भोलानाथ अंतर्जामी होइतिबा कारणरु तांको मनर कथा से जानिपारिथिले एवं तांकर अभिमानकु खंडन करिबा पई महादेव स्वयं न जाई गणेशंकु पठाइदेले। कुबेर देव चिंता कले, मुँ तो केवल मोर धन एवं वैभव को देखेबाकु चाहे, तेणु भोलानाथंक बदलरे जदि तांकर पुत्र आसिबे तेबे अति उत्तम। से गणेशंकु सांगरे नै प्रासादरे उपस्थित हेले। प्रासादरे पहुँचिबा परे कुबेर देव गणेशंकु निजर आश्चर्य धन सम्पत्ति देखेबा आरंभ करिदेले। एहा देखि विद्या एवं बुद्धिदाता गणेश कुबेरंकर मन कथाकु बुझि पारिले, तेणु कुबेरंकु एक उचित शिक्षा देबा पई से एक उपाय चिंता कले। कुबेर गणेशंकु एक सुनार थाली रे विभिन्न प्रकार व्यंजन बाढ़ी खाइबाकु देले। भगवान गणेश खाऊ खाऊ कुबेर देवंक प्रासाद रे प्रस्तुत समस्त भोजन को खाइदेले, किंतु तांकर भोक शांत होइनथिला। आहुरी खाद्य आणिबा पई से आदेश देले। एहा देखि कुबेर प्रासाद रे प्रस्तुत समस्त खाद्य शेष होइ जैछि बोली गणेशंकु जणाइले। एहा परे से प्रासाद रे थिबा विभिन्न प्रकार फल मूल आनी गणेशंकु खाइबाकु देले। से सबुकु खाइबा परे मध्य गणेशंकर भोक शांत हेला नाही। कुबेर धन एवं आश्चर्य देखेबा कारणरु भगवान गणेश तांकु एपरि शिक्षा देबा पई एभळी किछि करुचंती बोली से जानि पारिले। तेणु कुबेर देव गणेशंक निकटकु जाई क्षमा प्रार्थना करिले। जीवनरे केबे मध्य एभळी अभिमान एवं गर्व से करिबे नाही बोली प्रतिज्ञा मध्य कले। फळरे गणेश कुबेरंकु क्षमा करि कैलाशकु प्रस्थान कले। गणेश कुबेर देवंक शिक्षा देबा लागि बहुत सारा खाद्य पदार्थ खाइदेइथिबा कारणरु आउ चालि पारिले नाही, तेणु से मूषक पिठिरे बसि जीवा आरंभ करिदेले। गणेशंकर ओजन बढ़िजिबा कारणरु मूषक मध्य धीरे धीरे जाउथिले। रास्तारे जीवा मार्गरे मूषक संतुलन रक्षा करिनपारि पड़िगले, जहाँफलरे गणेश मध्य तले पड़िगले। तले पड़िजिबा कारणरु गणेशंकर वस्त्र एवं देहरे कादुओ लागिगला। तले पड़िजिबार दृश्य चतुर्पार्श्वरे केही नथिबा कारणरु केही देखिनाहती बोली भाभी गणेश पुनश्च निजर यात्रा आरंभ कले। किंतु शून्यरु केही जणे जोर जोरे हसुथिबार शब्द से शुणिबाकु पाइले। गणेश एणे तेणे भल भावरे देखिले, किंतु से कहारिकु देखि पारिले नाही। शेषरे आकाशरे चंद्रदेव तांकु देखि हसुथिबार से देखिबाकु पाइले। चंद्रदेवंकु हसुथिबार देखि गणेश क्रोधित होइ चंद्रदेवंकु अभिशाप दे कहिले, तुमे जेउं सौंदर्यकु नेइ एते गर्व करुछ, आजिठारु एहि सौंदर्य तुमर आउ रहिब नाही। गणेश अभिशाप देबा परे चंद्रदेव क्रांतिहीन होइपड़िले। फळरे चंद्रदेव निजर भूलर स्वीकार करि गणेशंक निकटरे क्षमा प्रार्थना कले। बारंबार क्षमा मागिबा द्वारा गणेशंकर क्रोध शांत हेला एवं से चंद्रदेवंकु क्षमा करिदेले। किंतु गणेश देइथिबा अभिशाप पूर्ण रूपरे फलित न होइ अल्प मात्रारे फलित हेला। एहा सहित
ଏହି ଅଭିଶାପର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହିଁ ଫଳିତ ହେଲା। ସେହିଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଶରୀର ପୁରା କଳା ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ କେହି ବି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆମକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ, ଫଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ଅମାବାସ୍ୟା ସମୟରେ କଳା ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଏକ ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀକୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେହେତୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ସେ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଯିଏ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେ ଏହି କଳଙ୍କର ଭାଗିଦାର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଯଦି କେହି ବି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମା, କୁବେର ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏବଂ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଦୋଷ ଲାଗିପାରେ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିକ କାହାଣୀମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।